is given in Constitution. So we can trace the source of administrative law from Constitution. इस तरह हम administrative law के origin को देख सकते हैं Constitution में, क्योंकि Constitution में executive के बारे में बात किया गया है, executive के special powers के बारे में बात किया गया है in case of emergency. तो Constitution क्या है? It is the major source for the development of administrative laws. ठीक है, आज के इस वीडियो में हम सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बात करेंगे. हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जहाँ से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ है. सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिस्कस करते समय हम मेनली चार सोर्सेस के बारे में बात करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो सोर्स है वो है कॉन्स्टिट्यूशन. हम जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्राउंड नॉर्म है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सभी लॉज का सोर्स माना जाता है. ये माना जाता है कि जो भी लॉज हैं उन लॉज का जो ओरिजिन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए किया गया है. बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एवरी लॉज. तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एवरी लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एवरी लॉ. इट इज ग्राउंड नॉर्म. ये क्या है? ग्राउंड नॉर्म है, यानी एक ऐसा सोर्स जहां से जितने भी लॉज हैं उनका ओरिजिन माना जाता है. इट इज लॉ ऑफ ऑल द लॉज. ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सभी लॉज का लॉ माना जाता है. देखो, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली तीन बॉडीज के बारे में बात करता है. एक इफेक्टिव और एक पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तीन बॉडीज के बारे में बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. एक है हमारा एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव, तीसरा जुडिशियल. क्योंकि जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बात करते हैं तो हम केवल एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं. हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के एक्शंस के बारे में बात करते हैं, उनके पावर, उनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ जहां एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है और एग्जीक्यूटिव के पावर्स के बारे में बात करता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज द मेन सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक मेजर सोर्स कहलाता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एवरी लॉ. इस तरह से आप एक्सप्लेन करते हुए लिख दोगे, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक मेन सोर्स है. लिखो, बिकॉज इट होल्ड्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग फॉर्मुलेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव. अब क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव के फॉर्मुलेशन के बारे में बात करते हैं, हम स्पेशल पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव
के बारे में बात करते हैं। स्पेशल पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, आगे लिखो, इन एमरजेंसी इज गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी कैन ट्रेस द सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ओरिजिन को देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव के बारे में बात किया गया है, एग्जीक्यूटिव के स्पेशल पावर्स के बारे में बात किया गया है इन केस ऑफ एमरजेंसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज द मेजर सोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। ठीक है, तो पहला सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। चलिए अब दूसरा सोर्स क्या है? दूसरा सोर्स है हमारा स्टैट्यूट्स। नाउ जब हम स्टैट्यूट्स के बारे में बात करते हैं तो हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं, और साथ ही साथ हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के भी बारे में बात करते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट क्या है, इसे हम आने वाले टॉपिक्स में डिटेल में समझने वाले हैं, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट। चलिए उसे तो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसके दूसरे सोर्स के बारे में बात करें तो वो है स्टैट्यूट्स। नाउ स्टैट्यूट्स इंक्लूड्स बोथ, इट इंक्लूड्स बोथ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्लस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नाउ जब हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में हमारा पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ और लोकल लॉज आते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव मेनली क्या करती है? जो भी लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं उनके एप्लीकेशन पे काम करती है, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन्हीं एग्जीक्यूटिव के एक्शंस पे कंट्रोल रखने का काम करती है। देखो जब हम स्टैट्यूट्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आता है प्लस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आता है। हम जानते हैं कि एक्ट बनाने का जो काम है वो किसके हाथ में है? लेजिस्लेचर के हाथ में है, और जो भी एक्ट बनता है वो पार्लियामेंट बनाने का काम करती है। तो जब हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो पब्लिक लॉज बना सकती है या पब्लिक एक्ट बना सकती है, प्राइवेट एक्ट बना सकती है और सभी तरह के लोकल लॉज को बना सकती है पार्लियामेंट। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है प्लस पब्लिक एक्ट प्लस लोकल लॉज, राइट। और दूसरा होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। स्टैट्यूट्स में आपके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्लस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दोनों आते हैं। नाउ ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है? जब हमारा लेजिस्लेचर अपने पावर्स को ट्रांसफ़र कर देता है, डेलीगेट कर देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, ताकि वो लॉज बनाएं अपने अकॉर्डिंग। इससे क्या हो? इससे हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो लेजिस्लेचर है, उसके वर्कलोड को कम किया जा सके, तो ये कहलाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? आप चाहो तो लिख सकते हो, वैसे हम इसे आगे पढ़ने वाले हैं। लिख लो, व्हेन सुप्रीम अथॉरिटी, कहीं नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, व्हेन सुप्रीम अथॉरिटी, जब हमारा सुप्रीम अथॉरिटी यानी लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव क्या करता है? डेलीगेट्स द पावर किसको? टू सबॉर्डिनेट्स, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने पावर्स को डेलीगेट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, और वो जब सबॉर्डिनेट रूल्स बनाने का काम करते हैं, व्हेन दैट
subordinate used to make rules. तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, राइट? तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्लस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये दो क्या है, मेजर सोर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के. यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो कंसेप्ट है वो स्टैट्यूट से भी उभर के आता है. स्टैट्यूट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये दो सोर्सेस हमने देख लिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा स्टैट्यूट्स, राइट? अब आप तीसरा सोर्स लिखो, तीसरा आपका जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स. तीसरा आपका जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स. अब देखो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स बेसिकली क्या करती हैं. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ये क्या करती हैं, हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के स्कोप के एक्सपेंशन के बारे में बात करती हैं. जब हम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के बारे में बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ, यानी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट मीन्स कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ, पहला राइट्स ऑफ हियरिंग ऑफ aggrieved parties, दूसरा कहता है judicial control over discretionary power. Of administrative authorities, और तीसरा आप लिख लो judicial review over administrative actions. Right? देखो judicial pronouncement हमारे administrative law के scope के एक्सपेंशन के बारे में बात करता है. इट हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. इट हेल्प्स इन कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ, पहला कहता है राइट्स ऑफ हियरिंग ऑफ द अग्रीव्ड पार्टीज. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स अग्रीव्ड पार्टीज को ये राइट देता है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ को अप्रोच कर सकते हैं इन केस देयर राइट्स आर डिप्राइव्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज उनके राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं, वॉयलेट करते हैं, या किसी तरह से उनके राइट्स का अब्यूज होता है, तो aggrieved पार्टीज कैन अप्रोच द कोर्ट. तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ राइट्स ऑफ हियरिंग ऑफ aggrieved पार्टीज के बारे में बात करता है अगेंस्ट इल ट्रीटमेंट बाई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. दूसरा, उनके डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर जुडिशियल कंट्रोल रखने का काम करता है, राइट? किनके डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर जुडिशियल कंट्रोल, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर जुडिशियल कंट्रोल रखने का काम करता है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स. और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के एक्शन को जुडिशियल रिव्यू करने का काम करता है कौन, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स. तो बेसिकली जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी क्या है, एक तरह का सोर्स है ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. यानी
जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इज द ओरिजिन, इट इज येट अनदर सोर्स ऑफ ओरिजिन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या करता है, कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ राइट्स ऑफ हियरिंग ऑफ अग्रीव्ड पार्टीज। दूसरा, जुडिशियल कंट्रोल ओवर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। और तीसरा कहता है जुडिशियल रिव्यू ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ठीक है, चलिए तो ये तीन सोर्सेस हो गए। अच्छा, चौथा सोर्स क्या है, चौथा है हमारा रिपोर्ट्स। चौथा सोर्स आप लिख लो रिपोर्ट्स। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा स्टैट्यूट्स, तीसरा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स एंड लास्ट वन इज रिपोर्ट्स। तो अगर आपसे स्कोप या सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बात करें तो आप इन चार पॉइंट्स को वहां पे डिस्कस कर दोगे। चलिए लास्ट वन लिख लो आप रिपोर्ट्स। देखो कह रहे द रिपोर्ट्स विच आर मेड बाय वेरियस बॉडीज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। जो भी वेरियस बॉडीज के द्वारा या जो भी डिफरेंट बॉडीज के द्वारा रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्स ऑफ ओरिजिन की तरह काम करते हैं। अगर हम इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स को देखें विच मे बी कॉन्सिडर्ड एज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ओरिजिन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, अगर हम इम्पॉर्टेंट सोर्सेस को देखें जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्स ऑफ डेवलपमेंट की तरह एक्ट करते हैं तो उनमें से जो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स हो सकते हैं वो है रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑन मिनिस्टर्स पावर। पहला हमारा रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑन मिनिस्टर्स पावर, रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑन मिनिस्टर्स पावर। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्स ऑफ ओरिजिन की तरह काम करते हैं। दीज रिपोर्ट्स लिख लो एक्ट एज सोर्स ऑफ ओरिजिन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, पहला रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑन मिनिस्टर्स पावर। दूसरा कहता है फ्रैंक कमिटी रिपोर्ट्स। तीसरा है रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो हमने देखा कि देर आर द फोर मेजर सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा स्टैट्यूट्स, तीसरा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स एंड लास्ट वन इज रिपोर्ट्स। राइट, तो ये था सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब अपने कल के या आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सीरीज चल रहा है, अगर ये सारे वीडियोस आप देखते हो, वैसे एक वन शॉट वीडियो लाया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर जो रिविज़न पर्पज़ से होगा, तो अगर आप इन वीडियोज़ को देखते हो तो आपको अदर वीडियोज़ नहीं देखने पड़ेंगे। और ये कम्प्लीट वीडियो है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पेपर कोई सा भी बन जाए आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर ले जाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।